मेरे पास जब भी इस तरह की बुक आती है ना इस साइज़ की, तो मुझे याद आती है अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम पर एक बुक हुआ करती थी, तो उस टाइम पर AIR1 के एक इस बहुत ही फेमस स्टोरी भी थी मेरे टाइम पर, कि उस AIR1 ने ये कहा कि इसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया और मेरे मार्क्स जो है केमिस्ट्री में जंप कर गए। अब ये कौन सा ऑल इंडिया रैंक 1 और ये कौन सी स्टोरी है मैं एंड में बताता हूँ, पहले चलो बुक रिव्यू कंप्लीट कर। तो अगर आप बुक पे देखोगे तो लिखा हुआ है सोलोमन एंड फ्राइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई मेन एंड एडवांस, यानी कि जो ओरिजिनल सोलोमन एंड फ्राइल है उसका एडिटेड वर्जन फॉर जेई मेन एंड एडवांस है ये। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोलोमन एंड फ्राइल की झलक दिखाई देगी, हालांकि कंटेंट वाइज काफ़ी चेंज है। मैंने थॉरली कंटेंट को देख लिया, थ्योरी वाला पार्ट, एक्सरसाइज वाला पार्ट, सॉल्व एग्जांपल वाला पार्ट, सब देखने के बाद अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कंटेंट होता है वो कई सारे जगह पर जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, कुछ बुक्स में होते भी हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है। नाउ अगर बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ कंटेंट की, क्योंकि सोलोमन एंड फ्राइल का एडिटेड वर्जन है तो स्टार्टिंग में जो बुक है जैसे GOC की बात करें तो वो 3-4 चैप्टर में फैला हुआ है। कहीं पर आपको हाइपर कंजुगेशन स्टार्टिंग के चैप्टर में मिलेगा, तो एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में देखने को मिलेगा तीसरे चैप्टर में, तो वैसा इसलिए क्योंकि ये एडिटेड वर्जन है और सोलोमन एंड फ्राइल का जो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वही रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इतनी इंगेजिंग है बुक और कितने लूसिड कंटेंट है, वो जो बेस तैयार हो जाता है उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिर अगर बात करते हैं यूज़ ऑफ विजुअल्स एंड इलस्ट्रेशंस की, तो जो विजुअल्स वगैरह का जो यूज़ है वो ओरिजिनल बुक में जो वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, इवन के PDF भी ओपन करोगे तो ज़्यादा दिखेगा। इन एडवांस के लिए यूज़ ऑफ विजुअल्स की उतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती, तो इट्स ओके। फिर बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस वाले पार्ट की, तो क्रिटिकल थिंकिंग में जो सॉल्ड एग्जाम्पल वाला पार्ट उसका मैं फैन हूँ, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है वो। आई विल सजेस्ट और भी एग्जाम्पल्स ऐड होने चाहिए, बिकॉज के ये पार्ट जो है वो बुक की जान है सॉल्ड एग्जाम्पल वाला, एंड आई एम अ बिग फैन, बट और भी बेटर करना चाहिए उसको। ऐसा मैं इससे बोलूँगा कि जो नॉट सो गुड पार्ट है ना बुक का, सबसे पहले बोलूँगा कि क्लैरिटी वाला पार्ट के एडिटेड वर्जन की झलक रखने के चक्कर में और जो ये एडवांस का फ्लेवर डालने के चक्कर में कुछ जगह पर जो क्लैरिटी वो कम हो जाती है, जो मैंने GOC वाला पार्ट बताया कि वो फैल जाता है 2-3 जगह पर, तो उस तरह की चीज़ों को कम कर देना चाहिए। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उस पर सच में दैट इज़ नॉट सो गुड और उस पर काम होना चाहिए बुक में। जो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हैं जो कि ओरिजिनल सोलोमन एंड फ्राइल की हैं, ये एडवांस का फ्लेवर वहाँ से गायब हो जाता है। और जो क्वेश्चन ऐड भी किए गए हैं सिंगल करेक्ट टाइप या फिर मल्टीपल करेक्ट टाइप, वो नंबर्स में और क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर वर्क होना चाहिए बुक में। फिर बात करते हैं अगर डेप्थ एंड ब्रेथ की, तो कुछ जगह पर ब्रेथ ज़्यादा हो जाती है, ये सब वो पार्ट है बुक के जो नॉट सो गुड है। अब बात करते हैं एलवे की, मतलब कि जिस पार्ट की वजह से मैं कहूँगा कि बुक काफ़ी अच्छी है, तो सबसे पहले तो सॉल्व एग्जाम्पल्स लाजवाब हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस सबके लिए बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्पल्स आपके लेवल को अप करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं बात करूंगा कि अगर जेई एडवांस जिनका 1 महीने में है अगर वो किसी पार्ट को करना चाहते हैं तो ज़रूर से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़रूर से करें, बायोमोलिकुल पॉलीमर ज़रूर से करें अगर आपका वीक है तो, आप अगर एक सिटिंग भी अगर चैप्टर का लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लेवल बन जाएगा आपका। फिर बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अच्छे से समझाने की बहुत कोशिश की गई है, तो दीज आर द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक। अब इसके अलावा भी जब आपके पास टाइम रहे तो आप और भी सेक्शंस ज़रूर करने की कोशिश करें, 11th वाले तो A to Z कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं, और ज़रूर कोशिश करें कि क्लास 11th में जैसे जैसे आप पढ़ रहे होते हैं अपने कोचिंग में उस हिसाब से आप आकर के यहाँ पर के चैप्टर को ज़रूर देखने की कोशिश करें। जो क्लास 12th वाले हैं, पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप जीरो पर हैं तो ज़रूर से आप पहले अपना बेस डेवलप कर लें GOC वगैरह का, फिर जा करके आप बुक को पढ़ने की कोशिश करें। जिनका ऑलरेडी जिनका कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनिक में, वो तो क्लास 12th जैसे जैसे कोचिंग में चल रहा है वैसे वैसे पढ़ते रहें। तो ये सब अच्छी चीज़ें थी बुक की, बहुत अच्छा पार्ट है। वापस आऊँगा स्टोरी पर जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, तो यार मेरे अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पर ना एक ऑल इंडिया रैंक 1 की स्टोरी बहुत फेमस थी 2002 की, डूंगाराम चौधरी की, क्योंकि और उसे OP अग्रवाल की बुक हुआ करती थी उस टाइम के ज़माने की, आप समझो बुक जो है वो आज के टाइम पर जो आप जिस तरह से MS चौहान है उसी तरह से उस टाइम पर OP अग्रवाल होती थी, फिर बाद में OP टंडन हो गई। तो OP अग्रवाल बुक से कुछ क्वेश्चन उसे डायरेक्ट मिल गए थे, ये बंसल क्लासेस में बहुत फेमस स्टोरी थी कि यार इसको ना डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, उसने 4 डाला, इसके मार्क्स जंप कर गए, क्योंकि ये वो इंसान था जिस जो कि नॉर्मल बैचेस में था और इंस्टीट्यूट ने इसका रिज़ल्ट चेक भी नहीं किया था। टॉपर्स जो होता है ना, एक्सपेक्टेड टॉपर्स जो होते हैं उनके रिज़ल्ट पहले चेक किए जाते हैं, तो इस लड़के का रिज़ल्ट चेक भी नहीं किया था, ये शाम में खुद चल करके आया था और उसने बताया था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। दैट के बुक रिव्यू से आप काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर देना, MS चौहान वाली बुक के बारे में सभी जानना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ढेर सारे प्यार, ढेर सारी दुआएं।